الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم وثبت ما प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी मुस्लिम बच्चियां आज हमको कुरान शरीफ की रिसाइटेशन सुनाएंगी कि आपके चेहरे पे भी वही नूर है जो मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा है, वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरोसिटी, छोटी सी बेबी फातिमा से सुरह अल मसद सुनने की। और इस बेबी फातिमा के साथ एक प्यारी सी मरियम भी बैठी हुई होंगी जो उन्हें गाइड करेंगी, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से। अब सुरह अल मसद के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि इन मुसलमान बच्चियों के अंदर बे इंतहा मोहब्बत है क्योंकि ये कुरान शरीफ रिसाइट कर रही हैं। अब इस वर्ल्ड्स बेस्ट बुक के अंदर हमें प्यार चैन शांति अमन का ही पैगाम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है दिल खुश हो जाएगा, रोम रोम खिल उठेगा इस वीडियो को देख करके। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे आपको देना है, पर वो इस छोटे से 4 मिनट के वीडियो को देखने के बाद। من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fatima, you wanna play school? Okay, I will be the teacher and you'll be the student, okay? Okay, so you have to repeat after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. Now Fatima, can you recite Surah Al-Lahab? تبت تب يدا أبي وهب وتبت ما أبقى ماله ما ماتت فرد ما يداك ذهبت وعجو حمام حباب في جيد ها حيوم ممت. Good job. Oh, now you can have it. Okay. Thank you, Fatima. Oh. This is our break time, okay? After this, we have to do more study, okay? We're gonna recite Surah Kausar, Inna Atayna, and then we're gonna recite Surah Yasin, okay? What color? And this color. And this? This is blue. Good job. Amazing. This is my favorite. This is your favorite? Oh. This is my favorite. What's the name? Popsicle. Yeah, good job. Popsicle. And what ice color? Ice cream ko popsicle.
It's a blue. No. What color? White. Yeah, good job. Which one's your favorite? White. White's your favorite? What does Mariam like? Mariam's blue. Mariam's red? No. Orange. Yeah, orange. Mariam ko orange pasand hai. Orange. Oh God, so beautiful babies. वो बच्ची ने प्यारी सी शहजादी ने फातिमा ने सुरा के बीच में हेलो कर दिया. देखा था आपने? She said hi and I was like I melted down at that very moment only. और बच्चियाँ इतनी प्यारी प्यारी थी, पर मैं जो कुरान शरीफ रिसाइट कर रहे थे भैया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर, उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी. उनकी वॉइस माशाल्लाह, इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड हाउ ब्यूटिफुली ही वॉज लिसनिंग टू दैट क्यूट लिटिल बेबी. वो ऐसे करके सुन रहे थे. अब देखिए, वो सारे लोग जो इस्लाम से मोहब्बत नहीं करते हैं और सोचते हैं कि जातियाँ धर्म अलग अलग हैं, लोग बटे हुए हैं, मोहब्बतें नफरतें बटी हुई हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब आपके सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हों अगर, तो क्या आपके दिल में कभी एक थॉट भी आ सकता है कि क्यूट लिटिल फातिमा शी इज़ अ मुस्लिम? या फिर कोई निधि नाम की छोटी सी बच्ची बैठी हो तो ये तो सनातन धर्म की है? नहीं. अगर दिल है आप में तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली इंसान हैं और जिस भी तरीके से हमें अच्छी नॉलेज मिलती है, सदाचार मिलता है, वो हमें लेना चाहिए. इंडिया के अंदर इतने सारे मदरसे हैं जहाँ पे हिंदू लड़कियाँ भी पढ़ती हैं. मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, उस पर रिएक्ट भी किया था. प्रतापगढ़ के अंदर एक बहुत बेहतरीन मदरसा था जहाँ पे हिंदू लड़कियाँ तालीम ले रही थी. उन्हें नज़में पता थी, उर्दू बोलना अरबी बोलना आता था, अच्छी अच्छी दुआएं बड़ी बड़ी बोल पा रही थी जो कि मुसलमान भी ना बोल पाए. ऐसा कैसे पॉसिबल था कि उनके माता पिताजी ने उनको एक मदरसे के अंदर एडमिशन दिलवा दिया और वो वहाँ पे इल्म हासिल कर रही थी? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उनके दिलों में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, नफरतें नहीं थी. उनको देखा कि यहाँ पे तहजीब व अदब संस्कार सिखाते हैं, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को वहाँ भेजा और सुभान अल्लाह दे गॉट एजुकेटेड ओवर देयर. और आज भी देश के भिन्न भिन्न जगहों पर लोगों के दिलों में बहुत मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत को बरकरार रखना. और जब भी कभी दिमाग में से हेटरेड आ जाए ना, सपोज इफ़ यू आर मुस्लिम और आप सोचें कि यार हिंदू धर्म की ये चीज़ें अच्छी नहीं है या हिंदू धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, तो इमेजिन करना कि हम सब पैदा एक ही तरीके से होते हैं, हमें अल्लाह ने ही बनाया है, हम सब इंसान हैं, एक ही उम्मत हैं. और जैसे फातिमा मरियम इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों को हमने एक्सपीरियंस कराया, ऐसे बच्चे हर धर्म के अंदर मिलेंगे. तो जस्ट बी फ्री टू लव एवरीवन इन दिस यूनिवर्स. अल्टीमेटली हमारे हृदय के अंदर परमात्मा का वास है, आप समझ रहे हैं? हमको किसने बनाया है? परमात्मा अल्लाह ने. तो उनके अंश हमारे अंदर भी हैं, तभी तो हमारे अंदर इतनी प्रेम और मोहब्बत है. तो हमेशा प्यार करते रहना दोस्त, प्यार से ही ये जीवन है. आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना, महफूज रहना. अल्लाह हाफिज़.